हेलो गाइस, हम लेके आ गए हमारा न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले टीचर्स फन गेम, और ये है बहुत ही धमाकेदार, आपको बहुत मजा आएगा गाइस। एंड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पूरा देखना। तो ये देखो, यहाँ पे हमने एक राउंड तो फिनिश भी हो गया, और इसमें कृषिका मैम जो है वो आउट हो गई। और ये देखो जिनल मैम कैसे झूम रहे हैं कि हम सब के हाथ में आ गया था, अभी वापस चालू होगा। ये देखो हो गया, चलो हम नाचते झूमते खेलते कूदते यहाँ पे घूम रहे, देखते हैं अब कौन आउट होता है। गाइस ध्यान से देखना, ये व्हाइट टी शर्ट, ये गीता मिस, गीता मिस देखो ये आ गया है ना, वो आउट हो गए। अगेन थर्ड राउंड स्टार्ट होगा अभी हमारा, ये देखो हो गया स्टार्ट। और हम सबका जीव ना गाइस उस ग्लास में अटका हुआ था, उसी ग्लास में। और ये देखो पागलों की तरह नाच रहे हैं, और अभी इस बार कौन आउट होगा, ये कौन आउट होगा गाइस, वो मानसी मिस आउट हो गए। ये देखो, और अभी एक ग्लास निकल गया और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है, और हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं गाइस, क्योंकि हमारे हाथ में तो ग्लास पे ग्लास आए ही जाते ही जा रहे। और ये देखो यहाँ पे देखते, ये अगेन अब कौन आउट होगा। नहीं, मतलब म्यूजिक बंद नहीं हुआ था, और अभी हम एक और बार मस्ती करेंगे, ये देखो। और सबको लगा सच में म्यूजिक स्टॉप हो गया, और ये अभी सच में स्टॉप हो गया। और ये देखो इसमें से आउट हो गए है, कौन से मैम थे गाइस वो आउट हो गए। ओके, और अभी उसका नेक्स्ट राउंड फिर से स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे ये देखो, मैं देखो पागलों की तरह उस ग्लास को घूरते हुए कि मैं तो इसको पकड़ ही लूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी। और ये ओ माय गॉड, माय बेस्ट जीनल मिस आउट हो गए। और अभी इससे आगे बढ़ते हुए अगेन नेक्स्ट राउंड पे, और यहाँ पे देखो मैंने अरेंज कर दिया, और अब हम बहुत कम बचे हैं गाइस, अब देखते हैं इसमें से और कौन निकलता है। और ये मुझे देखो कि ग्लास को मैं छोड़ूंगी नहीं इस तरह से। यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये हाँ, और इस बार आउट हो गए पूजा में, और ये गए। ये देखो अभी, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि हम तो जीत पे जीत जीतते ही जा रहे थे, और मुझ में जीत का जुस्सा बढ़ते जा रहा था। इस बार तो मैं जीत के ही रहूंगी गाइस, ओ माय गॉड। और यहाँ पे काजल में आउट हो गए गाइस, कुछ नहीं कर सकते इसमें, आउट हो गए। अब बचे सिर्फ मैं और अल्पा मिस और ये जिनल मिस। ये देखो बीच में आ गए कि दूर 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 रहो, और फिर करके दिखाओ कि कौन पकड़ पाता है इस तरह से। ओके, और यहाँ पे ये देखो, मुझे लगा म्यूजिक स्टॉप हो गया, बट नहीं हुआ था, तो मैंने बोला ओके ओके मैं वापस रख देती हूँ। और यहाँ पे ये देखो अब कौन 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 किसके हाथ में आएगा गाइस, आप सोचो किसके हाथ में आएगा ये ग्लास, आखिर किसके हाथ में आएगा। और ये यानी कि मैं विनर हो गई। ओके, तो ये थी हमारे धमाकेदार गेम, और इसमें मैं गाइस मैं विनर हुई थी, ये देखो। और अभी इससे थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मस्त एक्टिविटी। ये देखो यहाँ पे मोंटेसरी के क्लास में, जहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो आपको पता है क्या कर रहे थे, वो उनके खुद के लिए ब्रेसलेट बना रहे थे, मतलब हाथों में पहनने के लिए। गाइस ये वन टाइप ऑफ एक्टिविटी है जिससे उसका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, प्लस उसको मतलब मसल्स डेवलप होते हैं सब कुछ, और मतलब वो क्रिएटिव वो कुछ सीखते हैं खुद से कि भाई ना कुछ इनोवेटिव करे। तो ये ख्याल से मतलब हमने ये वाली एक्टिविटी करवाई थी। यहाँ पे ये देखो सब जो है वो बहुत ही ध्यान से, ये देखो शुभ तो कितने ध्यान से बिट्स को वो डाल रहा है धागे में, और बहुत ही मस्त, मतलब सारे के सारे पूरे, ये लीजा देखो, देखो ये कितना मतलब वो मेहनत मेहनत कर रहे हैं। हमें इजी लगता है गाइस, पर उन लोगों को तो टफ लगता है ना, क्योंकि उन लोगों ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। और आप मानोगे नहीं गाइस कि ये ब्रेसलेट मतलब उन सबने खुद के लिए बनाए भी, और अभी लास्ट में आपको दिखाएंगे सबने अपने हैंड में पहने भी। और पहनने के बाद आप मानोगे नहीं कि मतलब एंड तक हर रोज पहन के आते हैं, ये हर रोज पहन के आते हैं, और हमें दिखाते हैं कि देखो मैम हम हर रोज पहन के आते, मतलब इतने उन लोगों को पसंद आएगा गाइस। आप सोचो कि बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो किस लेवल तक इम्प्रूव होता है इस एक्टिविटी की वजह से।
तो इसी वजह से ये देखो यहाँ पे सब दिखा रहे, सबके बन गए और अभी डाल लेंगे वो लोग अपने हैंड में, और वो बहुत खुश हो गए थे गाइस। तो यही बात होती है, मोंटेसरी का पर्पज ही यही होता है गाइस। और अभी आ गए नेक्स्ट ऊपर नर्सरी वाले क्लास में, और यहाँ पे भी सेम चल रही थी प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटी यानी कि ड्रेसिंग फ्रेम। हम लोग हर रोज जानते कि हम हो कोई भी क्लॉथ पहने तो उसमें जिप जो है वो ओपन क्लोज करनी होती है, ये बटन्स जो है वो बंद करने हैं खोलने हैं, फिर यहाँ पे प्रेस बटन है, तो ऐसे मतलब 4 टाइप्स की अलग अलग ड्रेसिंग फ्रेम थी। तो ये हमने बच्चों के पास करवाई थी क्योंकि बच्चे जो है वो छोटे हैं तो वो ये सारे मतलब उसका खुद का वर्क जो है वो खुद से नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिकल लाइफ का मेन पर्पज यही रहता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, कि उसका खुद का वर्क जो है वो खुद से करे। कि आगे गई पूरी मैंने प्रैक्टिकल लाइफ की सीरीज ऐड की थी कि हाउ टू क्लीन योर टीथ, अगर आपको देखना है तो आगे वाले हमारे सारे व्लॉग जाके देख सकते हो, कि जिसमें हमने टीथ से लेके फिर हाउ टू टेक अ बाथ, फिर वेयरिंग क्लोथ, क्लोथ कैसे पहनते हैं, और फिर शूज कैसे पहनते हैं, पॉलिश कैसे करते हैं, वो सब कुछ करवाया था। और अभी अगेन ये मेरी मस्त फेवरेट वाली एक्टिविटी है आज हम क्या करने वाले हैं, देखो लग गया है कॉफी क्या करेंगे। और मैम जो तो आज हम सीखेंगे बीपिंग कैसे होता है। ओके दिशा साहब इस तरफ आ जाओ बेटा, तो यहाँ पे चलो मैम जो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे कॉफी को हमने डाला बोल में डाला। ओके चलो कॉफी हमने पहले डाल दी बोल में। ओके फिर हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर, क्या डालेंगे, ये क्या है शुगर। ओके इसको डालेंगे अंदर, क्या डाला हमने शुगर, शुगर डाला। फिर डालेंगे हॉट वाटर, क्या डालेंगे हॉट वाटर थोड़ा सा। फिर हमें क्या करना है व्हिपिंग, क्या करना है ऐसे देखो हमें ना इसको 10 मिनट तक ऐसे करेंगे ना व्हिप, तो इसमें झाग बन जाएगी, क्या बन जाएगी, हाँ चलो आप ट्राई करोगे आ जाओ, तो ट्राई करो तो स्वरू देखो थोड़ी थोड़ी तो बनने लगी ना, हाँ आप ट्राई करो ऐसे फास्ट फास्ट देखो ऐसे देखो थोड़ी थोड़ी बनी कि नहीं, बन रही है ना, तो फिर चलो आप ट्राई करो उर्वा ऐसे 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 थोड़ी ऐसे देखो मैं कैसे कर रही हूँ ऐसे, तो 5 मिनट तक ऐसे करेंगे ना तो पूरा बोल है ना वो दाग से भर जाएगा देख। ओके चलो हो रहा है अभी रेडी है देखो है ना, हुआ ना इतना तक, इतना बन जाएगा कैसा ऐसा बन जाएगा, अभी कितना हो गया गाढ़ा हो गया ना है ना, हो गया ना। फिर हमें क्या करना है बताए, नहीं पता मैं बताऊं। ओके चलो एक गिलास लेना है। ओके उसके अंदर हमें हाँ थोड़ा सा मिल्क लेना है। ओके क्या लेना है कोल्ड मिल्क लेना है, शुगर वाला हमने पहले बनाया बना, इका पीना जो इका पीना पहले क्या लेना है मिल्क, क्या मिल्क। ओके वो ये कैसा मिल्क है, पहले हमें ना ये शुगर वाला मिल्क है, मिल्क को ना हमें पहले स्टोव पे गरम करके उसमें शुगर डाल के ठंडा कर देना है। ओके ठंडा करने के बाद फिर उसके ऊपर हमें ये डालना है इसके अंदर। ओके ओ वाव ये देखो मतलब कितना मस्त लग रहा है गाइस, जैसे हम कैफे में पीते हैं ऐसी ही सेम कॉफी यहाँ पे बनी थी, आपको देख के पता चल ही गया होगा, ये तो देख के मुहेरे भी मुंह में पानी आ गया गाइस। क्या करना है बताए, थोड़ी सी है ना थोड़ी सी कॉफी ना हमें इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है, क्या करनी है ऐसे स्प्रिंकल कर देनी है ताकि दिखने में ना ये और भी मस्त दिखे देखो है ना। फिर क्या करना है फिर हमें अच्छे से अभी हम टेस्ट करना है, क्या करना है, और हमारी कॉफी रेडी है, रेडी है ना। ओके ओके फिर उसको ऐसे सर्व करनी है, गेस्ट भी खुश हो जाएंगे, वाव बच्चे ने तो मस्त कॉफी बनाई है ना, है ना मस्त कॉफी बनाई है, पंतु घर में बनाओगे ना आप,
ट्राई करना, ओके टेस्ट करेंगे हम, ओके चलो यस मैम। यहाँ पे मेनू है हमारा, देख लो आप एक बार। कोल्ड कॉफी चाहिए, ओके हैव अ सीट, अभी कॉफी भिजवा रहे हैं आपकी। तो इस तरह से बच्चों ने भी कॉफी बनाई, और कॉफी बनाने के बाद ये देखो थोड़ा रेस्टोरेंट जैसा सेटअप किया था कि यहाँ पे इन सबको मतलब कैसे सर्व करते हैं, कोई सर्व करता है तो उसको सामने से थैंक यू बोलते हैं, मतलब ये सारी मैनर्स भी हमने इसके साथ सिखाई थी। तो यहाँ पे ये देखो सबको मतलब कितने शांति से और पैशन से सर्व कर रहे। गाइस आई होप इस व्लॉग में आपको बहुत मजा आएगा, तो ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, सी यू।